मैंने इनके ख्यालात, इनकी खिदमात बहुत करीब से देखा और मुताद मकामात में मुझे मुझसे उलमा इकराम ने और कुछ अहबाब ने दावत इस्लामी से मुतालिक सवालात किए और सवालात के साथ साथ कुछ हजरात ने मुझसे इसके मुतालिक एतराज़ात भी किए। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि ये सलेह कुल्ली हैं और अकीदे की सही नहीं है तो ये तो सरासर गलत है। इसलिए मौलाना अलियास साहब ये हजरत मौलाउद्दीन साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह से बैत उन्हीं के खलीफा हैं और वो मुरीद व खलीफा हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। तो गया आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दादा पीर हुए कि वो मुसलसल आला हज़रत के रसाइल, दीगर अकाबिल सुन्नत के रसाइल और वो किताबें जिनमें दयामन वहाबिया की तकफीर और तरदीद सराहत के साथ मौजूद है और किताबों की इशात भी करवा रहे हैं और मुबल्लिगीन जगह जगह अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या नबीउल्लाह इस तरह लगाते रहते हैं। गौसे आदम की मखबतें पढ़ रहे हैं, उनकी फातिहा कर रहे हैं और शरीफ अजमेर अकदस में हाजिर हैं, वहाँ हाजिरीन की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। तो उनकी रविश से किसी भी तरह ये बात ज़रा भी मुतरशा भी नहीं होती कि ये सुन्नी नहीं है या इनके अकीदे में कोई भी ज़रा भी खराबी है। हमारे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हमारी अपनी जमात है, अहले सुन्नत की जमात है, ये सब अहले सुन्नत हैं, अब सहीउल अकीदा हैं। और बहरहाल जो मैंने ये देखा कि वो अपने किरदार अपनी खिदमत से सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो नमाज़ों से दूर थे, दाढ़ियों से दूर थे, मिज़ाक नहीं करते थे, वो नमाज़ें पढ़ने लगे, मिज़ाक करने लगे, दाढ़ियाँ रखा लीं। मैंने भी लोगों से कहा कि बताइए दीन का काम है कि इंसान एक वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ रहा था और दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ने कोशिश की, वो नमाज़ें पढ़ने लगे, सरकारी सुन्नतों पर अमल करने लगे। यादा मैंने उनसे यही कहा कि जहाँ तक हो सके आप इस जमात का तआवुन करें और इसका ख्याल रखें और अगर आप तआवुन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना करें कि आप मुखालफत ना करें। बहरहाल मेरे नज़दीक ये अपनी जमात है, अहले सुन्नत की जमात है और इनकी सुन्नत में, इनके अहले सुन्नत होने में ज़रा बराबर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला